राजस्थान में जारी सियासी संग्राम में पायलट की घर वापसी हो गई है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पायलट की इमरजेंसी लैंडिंग कैसे हुई है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से क्या आश्वासन मिला कि पायलट सब कुछ भूलकर कांग्रेस में वापस आ गए हैं? आखिर कैसे पायलट निकम्मा और नकारा जैसे शब्दों को भूल गए हैं जो कभी गहलोत ने उनके लिए इस्तेमाल किए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताज़ा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसी से जोड़कर पायलट की वापसी को देखा जा रहा है। बीते दिनों सीएम गहलोत ने कहा कि वो जब तक जिंदा रहेंगे वो अभिभावक बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। जब पत्रकारों ने सीएम गहलोत से पूछा कि क्या आप 5 साल सरकार चलाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार चलाएगी। मैंने विधायकों से कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। उनके इस बयान के साथ ही अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या सीएम गहलोत सीएम कुर्सी से विदा लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 5 साल सरकार चलाएंगे बल्कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस 5 साल सरकार चलाएगी। सीएम गहलोत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ करीब 1 महीने बाद जयपुर लौट रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात और मामले के उचित समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला होने के बाद पायलट मान गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि अशोक गहलोत ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखना होगा क्या आलाकमान गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करती हैं और राजस्थान में पायलट का राज आता है, और क्या इसी डील के तहत पायलट कांग्रेस में वापस आए हैं। हालांकि इन सब सवालों का जवाब अगले कुछ दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।